हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आधार कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी एनरोलमेंट नंबर से। अगर अगर आपका अभी आधार कार्ड जनरेट हुआ है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो आप कैसे अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो आज मैं वो प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। अगर आपके आधार कार्ड डाउनलोड करते समय एनरोलमेंट नंबर से कोई परेशानी आती है आपको, तो उस परेशानी को आप कैसे सॉल्व कर सकते, मैं इस वीडियो में प्रॉब्लम को भी सॉल्व कैसे करेंगे उसके विषय में भी मैं बात करने वाली हूँ। तो आपको कैसे ये प्रोसेस करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पर चले जाना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली इस लिंक पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड आधार पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, आधार नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोलमेंट आईडी से भी कर सकते हैं, और वर्चुअल आईडी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड। तो मैं अभी एनरोलमेंट नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। 14 नंबर का यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट आपको साइड में स्क्रीन में दिखा दे रही हूँ, हिसाब से आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर एंटर कीजिएगा। अभी फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है, पहले दूसरा ही था, अभी दूसरा ही फॉर्मेट हो गया है। तो आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर एंटर करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये एनरोलमेंट नंबर 14 डिजिट का यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद जो यहाँ पे डेट है उस डेट का फॉर्मेट आपको ऐसा यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, उसके बाद जैसा टाइम है वैसा ही वहाँ पे एंटर करना है, सिर्फ आपको डेट इस फॉर्मेट में वहाँ पे एंटर करना है। एनरोलमेंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर कैप्चा करना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी क्लिक करते ही मेरा ही मुझे अभी यहाँ पे एक इरोर आ रहा है। अभी मुझे जो इरोर आ रहा है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके विषय में मैं अभी बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ऑथेंटिकेशन टेम्पररी नॉट अवेलेबल, रेसिडेंस सेल रिट्राई आफ्टर सम टाइम्स, यहाँ पे शो हो रहा है। ये मेरा आधार कार्ड जनरेट हो गया है, फिर भी यहाँ पे ओटीपी नहीं जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि अभी अभी जनरेट हो रहा है, हुआ है, तो यहाँ वहाँ पे अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको 1947 पे फोन करना है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन लगेगा, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको वहाँ पे फ़ोन कर लेना है पहले कस्टमर केयर को वहाँ पे, उसके बाद 1 और 9 प्रेस करना है फ़ोन करने के बाद। उसके बाद आपको कस्टमर केयर से डायरेक्ट फ़ोन रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे बोलना है कि मेरा अभी अभी आधार जनरेट हुआ है और मेरा प्रॉब्लम ये दिखा रहा, आधार ऑथेंटिकेशन टेम्पररी नॉट अवेलेबल, रेसिडेंस सेल रिट्राई आफ्टर सम टाइम। तो मेरा यहाँ डैशबोर्ड में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। आपको वहाँ पे ये प्रॉब्लम बोलना पड़ेगा, तो वो वहाँ से आपका कंप्लेन नंबर दर्ज कर देंगे। वो दर्ज करने के बाद आपका 24 घंटे या 12 घंटे के आफ्टर आपका ये ओटीपी आने लगेगा। तो मैंने यही प्रोसेस अपनाया है गाइस, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। अपनाने के बाद जब मुझे ये एरर आ रहा था, यहाँ पे देखिए मैंने वो सॉल्व कर लिया है, वहाँ पे कंप्लेन करके मैं जब यहाँ पे डाउनलोड कर रही हूँ, तो अब मेरा ओटीपी आ रहा है, ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है गाइस। तो फोन कर लेना है वहाँ पे कस्टमर केयर को, आपको एक दिन वेट करना है, उसके बाद आपको फिर से एक दिन बाद आपको डाउनलोड करने के ट्राई करना है। तो मैं यहाँ से एक दिन हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे अब मैं वही एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मैं फिर से एंटर करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है, सेम प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस मेरा, तो ये देखिए ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो ये देखिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब मेरा आधार कार्ड इजिली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको तो यहाँ देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड में शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे मेरा आधार कार्ड फाइल दिख रहा है, यहाँ पे पीडीएफ, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। इसको ओपन करने के लिए एक फॉर्मेट है, पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। तो इस पासवर्ड को आपका जो नाम है, नाम का फर्स्ट 4 लेटर्स आपको एंटर करना है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका लास्ट ईयर आपको एंटर करना है, जैसे 2004, 2005, 2003, 2019, 1994 है तो
1994 एंटर करना है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस हिसाब से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है पासवर्ड में। उसके बाद ये फाइल इजीली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फाइल ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस मेरा फाइल ओपन हो चुका है। इतना इजी, थोड़ा आपको परेशानी लग, बहुत टेंशन हो गया होगा मेरा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है बोल के आधार कार्ड मेरा क्यों नहीं डाउनलोड रहता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है गाइस। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको एक कस्टमर केयर को फोन करके आपको कंप्लेंट दर्ज करा लेना है। उसके बाद आपका उसके बाद एक दिन बाद आप ट्राई करेंगे यहाँ पे डाउनलोड करने का, तो आपका इजीली आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा भी ऐसा ही सेम प्रॉब्लम आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए इस विषय में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको और भी कोई परेशानी है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।